अंकुशप्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीएस कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि आपको कहा है, आज का हमारा टॉपिक फोनेटिक सिंबल रहेगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, जिसकी बेसिक नॉलेज और साथ ही साथ उनकी जो ट्रांसक्रिप्शन है उनके बारे में भी अपने बात करेंगे। मेनली ये जो है टॉपिक आपकी पूरी की पूरी एक यूनिट कवर करता है, यानी कि 5 क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, रीट लेवल 1 के हों आप चाहे लेवल 2 के, और लैंग्वेज 1 और 2 दोनों के अंदर ये टॉपिक है। आप रीट लेवल 1 में लैंग्वेज लें, 1 चाहे 2 लें इंग्लिश, दोनों के अंदर ये टॉपिक रहेगा। लेवल 2 के अगर अभ्यर्थी हैं, साइंस मैथ के हैं चाहे एसएसटी के हैं, लैंग्वेज में अगर आपके पास इंग्लिश है चाहे वो फर्स्ट में है चाहे सेकंड में, दोनों में कॉमन टॉपिक है फोनेटिक सिंबल। तो इस आज की वीडियो के अंदर 20-25 मिनट की जो भी वीडियो रहेगी, इसके अंदर अपने ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिसके अंदर से आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। फोनेटिक सिंबल अपने सिलेबस के अंदर और एक्चुअली में कितने हैं, 44, जिसके अंदर से 20 वोवल हैं। वो 24 क्या है, कॉन्सोनेंट। वोवल्स को आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैंने एक्चुअली ये पहले भी वीडियो अपलोड की थी पार्ट्स के अंदर, 4 पार्ट के अंदर, लेकिन अब इसके अंदर कुछ एक अपडेट्स की गई हैं। और आपको जैसे ये वीडियो कम्प्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट 2 दिनों के अंदर आपको फोनेटिक के लगभग जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे लास्ट ईयर पूछे हुए, या और आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाकी जो है आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर। तो वोवल देखिए, पहली बात, फोनेटिक कितने, 44, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं वोवल और कॉन्सोनेंट। 20 वोवल है, 24 कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट देखिए आगे दो पार्ट में चेंज होते हैं, एक तो वॉइस्ड है और एक वॉइसलेस है, ठीक है। और वोवल्स 20 है जिनके अंदर दो पार्ट होंगे, मोनोफथोंग्स और डिपथोंग्स। मोनोफथोंग्स यहाँ 12 होंगे, जिन्हें हम प्योर वोवल या वोकोइड भी कहते हैं। डिपथोंग्स 8 होंगे, जिन्हें हम वोवल ग्लाइड्स कहते हैं या कॉन्टोइड कहते हैं। अब प्योर वोवल करके क्वेश्चन भी आ चुका है कि मोनोफथोंग्स को और क्या कहते हैं, तो ऑप्शन आएगा प्योर वोवल, पूछा जा चुका है। इसी प्रकार डिपथोंग का भी पूछ सकते हैं, तो वोवल ग्लाइड या कॉन्टोइड्स कहते हैं इन्हें। अब देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने के लिए कुछ एक सिंबल फिक्स किए गए थे, जिन्हें हम IPA कहते हैं, यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट कहते हैं, जो कि कितने हैं, 44। इन सिंबल्स को फिक्स करने के लिए जिस सोसाइटी ने वर्क किया उसे भी IPA कहते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, ठीक है। अब अपने बढ़ते हैं, सबसे पहले मोनोफथोंग देखेंगे, जो कि टोटल कितने हैं, 12। तो आप नोट डाउन कर लें साथ के साथ। ये देखिए, पहला है अ, शॉर्ट साउंड रहेगा, छोटा इसका रहेगा टाइम, जैसे अप कप, तो इसमें अ का साउंड ये आएगा ट्रायंगल शेप में, ये उल्टा भी कह लीजिए आप, है ना। दूसरा अ जो आएगा वो सॉफ्ट होगा, जैसे अबाउट, टीचर, है ना, तो ये जो है सॉफ्ट वाला। ऊपर वाला जो है वो शार्प रहेगा, शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा, शॉर्ट साउंड रहेगा उसका, अप कप स्पीडली बोला जा रहा है। थर्ड आता है आ, जिसे हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो ए स्मॉल ए लिख के डबल डॉट, या फिर जो पुराना अल्फ़ाबेटिकली ए लिखते हैं अपने, वैसे वाला ए, जैसे फार, मैंने अंडरलाइन किए हुए जिस साउंड के लिए ये आ रहा है, फार, है ना, आर नहीं बोला जाता इसमें, फार ई रह गई। छोटी ई और बड़ी ई, इनके अंदर देखें बड़ी ई के अंदर हमेशा डबल डॉट आएगा, सिम्बोलिकली अगर अपने इसे देखें तो स्मॉल आई के रूप में लिखा जाएगा। छोटा साउंड रहेगा, जैसे शिप, हैप्पी, तो स्मॉल ई आएगा। बड़ी ई कब आएगा, जब साउंड कैसा हो, लॉन्ग साउंड हो, जैसे स्लीप, सी, है ना, ऐसे ही ऊ है छोटा और बड़ा। छोटे ऊ का सिंबल कैसे है ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर से एज इट इज़ ऐसे ही बनेंगे जैसे यहाँ पर बनाए गए हैं, अपनी तरफ से बिल्कुल कोई कलाकारी नहीं करनी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इसी प्रकार के मिलेंगे। बड़ा ऊ जो है वो ऐसे ही लिखा जाएगा, जैसे छोटा ABCD का यू लिखा जाता है, फिर दो डॉट आ जाएंगे, है ना। तो छोटा साउंड है, देखिए पहले छोटा ऊ को, गुड पुट, बिल्कुल छोटा साउंड है, गुड पुट, है ना। बड़े वाले के लिए शूट, टू, तो ये साउंड ऊ का क्या है, लॉन्ग साउंड है। इसी प्रकार ए और आई, ए को ई से शो करेंगे, आई को अ और ई दोनों से मिला करके लिखेंगे, जैसे बेड, 10, ये ए का रहेगा, आई का क्या रहेगा, कैट, ठीक है, बैट, ये रहेंगे। ओ का साउंड,
ऑन या डॉग का है, डॉग के अंदर भी यही आएगा ओ, ऊपर जो छोटा ये लिखा होता है ना, डॉन बोल सकते हैं आप, डॉन के अंदर, डॉग के अंदर, ओन, गोट, है ना, जहाँ पे भी ये चांद बनाए हिंदी के अंदर अगर अपने बात करें तो उसके लिए ये साउंड यूज़ किया जाता है। लिखने का तरीका, पी लिखेंगे लेकिन पी के ऊपर भी डंडी आएगी, नीचे भी, और ये थोड़ा सा जो है लंबी रहेगी ये वाली सिंबल। फिर आता है ओ, है ना, साउंड ओ का रहेगा लेकिन दो डॉट वाला ओ सिंपल। तो क्या आएगा, जैसे डो सा सो, है ना। अर बर्ड, अर के लिए क्या करेंगे, थ्री लिख के दो डॉट। ये आपके हैं मोनोफ्थोंग्स, जो कि कितने हैं, 12, प्योर वोवल कह लीजिए। फिर आते हैं डिफ्थोंग्स, 8 हैं, इनके मिक्सचर से बने हुए, लिख लीजिए एक बार। इनके एग्जाम्पल पूरे के पूरे कंप्लीट अपने करेंगे, वोवल कॉन्सोनेंट और ये कंप्लीट करेंगे, है ना। ई अ, सॉरी, अ ए ई, ए ए का साउंड आएगा तो ई और आई लिखेंगे। आई ध्यान रखें ये वाला लिखा जाएगा, फिर आई है तो आएगा, फिर आई आएगा, ओई है तो ओई लिखा जाएगा, औ है, आउ है, ई है, ए उ, ये वाले सिंबल आप एक बार लिख लीजिए, फिर अपने इसको आगे कंप्लीट करेंगे। देखिए अब ये आते हैं कॉन्सोनेंट, पहले कॉन्सोनेंट के यहाँ सिंबल देख लेते हैं। जैसे क है, क के लिए के लिखा जाएगा स्मॉल के, च के लिए टी और ऐसे सिंबल लिखा जाएगा एस का, लेकिन ये एस नहीं है, एस के रूप में बिल्कुल ना लिखें, टी स्मॉल लिखा जाएगा और ये पूरा घूम के ऐसे का ऐसा लिखा जाएगा। थीटा थ के लिए है, श के लिए वही च वाला एस है बड़ा सारा। ज यहाँ पे तीन प्रकार का मिल जाएगा, एक तो डी जेड या D3 कह लीजिए इसे, पैर के अंदर थ्री लिखा जाएगा। एक ज है वो जेड आएगा, स्मॉल जेड या इंग्लिश वाला थ्री लिख सकते हैं आप। य के लिए जे लिखा जाएगा, व के लिए वी और डब्ल्यू, दो साउंड है, दोनों का अलग अलग यूज़ है, वो दोनों देखेंगे अपनी। ने या मैं आई तो उसके लिए एन और जी, इसका मिक्स करके लिखा जाएगा, यानी एन और नीचे पूरा घूम के। द, द के लिए अ लिखेंगे और उससे काट देंगे ऊपर से। कॉन्सोनेंट, अब अपने द या दी बोलते हैं, है ना, एक तो THE, इसको द भी प्रोनाउंस करते हैं, दी भी करते हैं, लेकिन वोवल से अगर पहले आता है तो दी प्रोनाउंस किया जाता है। लिखेंगे कैसे, दी को देखिए, नीचे वाला द लिखा, फिर ई, बड़ी ई, है ना, तो दी प्रोनाउंस करेंगे जब वोवल से पहले आएगा। दी एप्पल, दी अम्ब्रेला, दी ऑरेंज, है ना। कॉन्सोनेंट से पहले आएगा, जैसे दी मैं, द मैंगो, तो वहाँ द पर अनाउंस करेंगे इसको, द फिर अ, ये ध्यान रखना है। चलिए अब अपने करते हैं यहाँ से एग्जांपल इसके शुरू से। तो पहले क का था, कप। अब देखिए अ का साउंड अपनों ने जो शुरू में पढ़ा, शॉर्ट साउंड आ रहा है ना बीच में, कप, है ना, तो क प। जो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं बताए गए हैं, जैसे वोवल कॉन्सोनेंट में जो टर्म्स नहीं आई है, वो सारी की सारी क्या रहेगी, एज इट इज़ इंग्लिश के शब्द लिखे जाएंगे। जैसे प है, प को पी लिखा जाएगा, काइट तो तय को टी ही लिखा जाएगा, स है उसको स एस ही लिखा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कप है तो कप लिखा गया, काइट है उसके सामने आप देख सकते हैं क, फिर आई, आई अपनों ने ऊपर पढ़ा था ना, ये देखिए आई, सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला आई लिखा हुआ है ना, तो ये वाला वहाँ लिखा हुआ काइट के अंदर। फिर च के लिए चेस है, चेयर है, सामने एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं आराम से। अपने को मेन जो शब्द अपने देख रहे हैं ना, उसका देखना है, बाकी कैसे बनेंगे वो आगे और अपने जब कंप्लीट करेंगे उसके अंदर लास्ट तक आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अभी आप सब चीज़ें एक साथ ना लें, सिर्फ चे का देख रहे हैं तो चे का ही देखें एग्जांपल। ई एस है, ई अ है, वो अपने बाद में देख लेंगे जो भी है ना। थिंक, थिंक थ आया है तो थीटा लिखा ना, बाकी पढ़ा रहने दीजिए जैसे भी है। य के लिए यस लिखा है तो जे लिखा है, देखो क्योंकि अपनों ने यहाँ क्या पढ़ा था, य के लिए क्या आएगा, जे। फिर श है, श के लिए शिंक, शूट, है ना। ज के लिए, अब देखिए जय के लिए एक तो जज, जग, इन जैसे शब्दों के लिए तो D3 ऐसे लिखा जाएगा, और ये जो ज है
दूसरा जिसे थ्री या जेड के रूप में, ज के नीचे देखिए अब ये फारसी का है या नीचे डॉट लगा हुआ है, तो इसका दो सिंबल आते हैं। तो कैसे ये यूज़ होगा देखिए, जैसे ये थ्री वाला है तो ये विजन विजन है, तो एस आई यू एन आ रहा है वोवल के जस्ट बाद, तब यहाँ पे ज यूज़ होगा, विजन है ना, तो वी जिन विजिन। थ्री वाले का और यूज़ क्या होगा, श्योर, जब वोवल के बाद एस यू आर ई आएगा तब उसके लिए ज का यूज़ होगा। वैसे तो श्योर लग रही है, एस यू आर ई श्योर, लेकिन वोवल के बाद आए किसी शब्द के अंदर तो ज प्रनाउंस होएगा, जैसे मीज़र है ना, तो मीज़र, तो ज ज के लिए क्या आएगा, थ्री लिखा जाएगा। अब ये दूसरे वाला जेड कहाँ यूज़ होगा, जब भी आपको एस ई एस ई डबल एस या जेड के स्थान पर ज का साउंड आए तब आपको ये वाला जेड लिखना होगा, जैसे रोज़ रोज है ना, लास्ट में जा रहा है, जू बज, तो ज लिखा जाएगा यहाँ। अब बात करते हैं वी और डब्ल्यू की, जो कि व के साउंड है, वी के स्थान पे वै का साउंड आए तो वी लिखा जाएगा, जैसे वैन, और अदरवाइज क्या लिखा जाएगा, डब्ल्यू, सिंपल है। वी के लिए व का साउंड आए वैन तो क्या आएगा, वी, अदरवाइज क्या लिखा जाएगा, डब्ल्यू, जैसे वोन तो डब्ल्यू आएगा, वन तो भी डब्ल्यू आएगा, व का साउंड आ रहा है लेकिन ओ से आ रहा है सिंबल से, तो वन डब्ल्यू लिखा जाएगा, वोन डब्ल्यू से आ रहा है व का साउंड तो डब्ल्यू लिखा जाएगा, लेकिन वी के स्थान पे वी का व का साउंड आ रहा है तो वी लिखा जाएगा। अब ये आधे अक्षर न म ण वाले, तो पहली बात एन के वोवल के बाद एन के आए तो उसको न के लिखा जाएगा, जैसे पिंक है ना, ड्रिंक विंक, और एन जी आए जैसे सिंग मिंग किंग थिंग, तो उनके लिए भी ये वाला न यूज़ होगा वोवल के बाद, ये ध्यान रखना है। आर की बात करें, आर बहुत इम्पोर्टेंट आ रहा है आपके लिए, देखिए वोवल साउंड दिया हो आर से पहले तो आर का यूज़ नहीं होता। अपनों ने अक्सर देखा होगा जो कार है तो उसको कईयों को कार प्रोनाउंस करते हुए देखा होगा, आर नहीं प्रोनाउंस करते वो, कारण यही है कि अगर आर के पहले वोवल आ रहा है, जैसे पाक है तो पारक नहीं बोलेंगे इसे, पाक ही रहेगा, ये डार्क नहीं है, डार्क है ये, ठीक है, अपने कहते हैं ना डार्क रूम, डार्क नहीं है, डार्क रूम, र नहीं प्रनाउंस होगा, पार्क नहीं होगा, पाक होगा, ये कार नहीं है, कार है, ठीक है। यदि किसी के शब्द के शुरू में आर दिया हो तो प्रनाउंस होएगा, लिखेंगे भी उसको, शुरू वाला थोड़ी ना मिस कर देंगे अपने, रिंग है, रन है, रैट है, ठीक है। अगर डबल आर है तो भी एक ही बार लिखा जाएगा, पैरेट पैरेट, ठीक है। आर से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो तो भी लिखा जाएगा, कब नहीं लिखा जाएगा या प्रनाउंस किया जाएगा, जब आर से पहले क्या हो, वोवल, बाकी सब केस के अंदर ये प्रनाउंस होगा, ठीक है। जैसे ब्रिंग है, आर से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, बी आ रहा है, ड्रिंक है, आर से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, लिखा जाएगा, कहने का मतलब, ठीक है। अगर किसी शब्द में डबल कॉन्सोनेंट आ जाए तो उन शब्दों के लिए सिंगल कॉन्सोनेंट का यूज़ किया जाता है, जैसे अपनों ने पैरेट देखा ऊपर, उसी प्रकार कैटल है आपके सामने, ये ध्यान रखना है। और फोनेटिक सिंबल में कॉन्सोनेंट हो चाहे वोवल हो, उनका स्मॉल लेटर में यूज़ किया जाता है, ये आपको पिछली वीडियो में नहीं मिले थे। अब देखिए मोनोफथोंग्स, यहाँ पे अपना वो पूरा हो जाता है, मोनोफथोंग्स की बात अगर अपने करें तो प्योर वोवल भी कहते हैं, है ना, और डिपथोंग को वोवल ग्लाइड्स कहते हैं, ध्यान रखना है। अ का साउंड शॉर्ट साउंड है, किस किस शब्द के लिए आएगा, ओ यू या ओ के स्थान पर अ का साउंड आ रहा हो तो अ का यूज़ किया जाता है, जैसे हट। लेकिन इससे जस्ट पहले ये जो चार आपको बताए हैं, ओ यू डबल ओ या यू, इनसे जस्ट पहले या बाद में आर नहीं होना चाहिए, जैसे हट, एच लिखा, अ ट, कप कप पढ़ा था ना कप, फ्लड, तो अ शार्प पर है, शॉर्ट साउंड है ना, डबल रबड़, अब देखिए रबड़ के अंदर अपने यहाँ आर आ रहा है लेकिन अपने इसको क्या है, नहीं लेंगे, शुरू में आ रहा है ना आर, आर यू के पहले, लेकिन ये अपवादजनक रूप में रहेगा, ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पैरेट के अंदर भी आ रहा है, देख सकते हैं आप, तो पैरेट के अंदर डबल आर आ रहा है तो यहाँ हमने नहीं लिखा,
लेकिन अपवाद के रूप में रबड़, रबर है ये, है ना, रबर लिखा जाएगा, अ का साउंड आएगा इसमें। अब दूसरा ए सिंपल वाला देख लेते हैं, ये लॉन्ग वोवल था, जैसे मदर, एम मदरनीय मदर, है ना, आर के बारे में आपको बता दिया पहले ही, केटल तो आर है केटल। अब ऊपर वाला केटल है, नीचे वाला कैटल है, ये ध्यान रखें, ई आया है ऊपर वाले में जो कि ए के लिए आता है, नीचे आई आया है के बाद, देखिए आई है, ए और ई मिक्स सही है ना, तो ये आई का था। लास्ट है सिस्टर, लास्ट में अ का साउंड आ रहा है। अब बात करते हैं आ के साउंड की, जो कि लॉन्ग वोवल है, शब्द के अंत में आ का साउंड आ रहा हो तो यूज़ नहीं करेंगे। जैसे अब ये डी ए टी ए लिखा तो डाटा है ये, है ना, डेटा है, डाटा नहीं है तो डेटा, अ प्रनाउंस करेंगे लास्ट में। बाकी आपके सामने है ये कार्ट है, अब देखिए कार्ट जो लास्ट सी ए आर टी लिखा हुआ है, तो इसको क्या प्रनाउंस करेंगे, कारट नहीं होगा ये, काट है, पाक है, का है, ठीक है। अब ई का साउंड, अब देखिए स्मॉल ई होता है उसको स्टार्टिंग के अंदर जब आता है ना, तो ये इस हिसाब से लिखा जाता है, आई जो कैपिटल वाला लिखते हैं, कहने का मतलब अगर मिड में आ रहा है तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, शॉर्ट साउंड है, कहीं ई का साउंड आ रहा है तो आई का यूज़ कर लेंगे। जैसे फिट है तो फिट एज इट इज़ लिखा जाता है, लेकिन शुरू में अगर आए, जैसे इट है, तो इट को इस हिसाब से इट आई स्मॉल नहीं लिख सकते, इसको कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। और ऐसे ही एक्सेप्शनल या अपवादजनक क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, इट लिख के पूछ लेगा कि कैसे लिखा जाता है, और आपका पहला ऑप्शन यही होगा आई और टी, स्मॉल आई स्मॉल टी, लेकिन आई कैसा लिखा जाएगा, कैपिटल वाला। बिट एज इट इज़, निट, एक आपको पता होगा के और एन जब भी इकट्ठे आते हैं, नो है, नॉलेज है, नाइट है, नाइफ है, इनके अंदर के और एन का एन प्रनाउंस करते हैं अपने, है ना, तो ऐसे निट है, नोट है, ये सब चीज़ें के एन से शुरू होने वाले शब्द हैं, लेकिन एन प्रनाउंस करते हैं इसको सिर्फ। बाद में आता है सिक, अब कैपिटल ई लॉन्ग साउंड होगा, जैसे फीट, बीट, मीट, 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 देखिए दोनों के दोनों मीट मिलना हो चाहे मीट मास हो, दोनों का दोनों क्या है, सेम उसको प्रनाउंस करेंगे। ऊ का साउंड स्मॉल ऊ है, शॉर्ट साउंड रहेगा, लेकिन अंत में इसका बिल्कुल यूज़ नहीं आता, मिड में आएगा, जैसे बुक, वुड, पुट, हुक, सिंपल है, लिख लीजिए आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, लिखने से आपका क्या है, प्रैक्टिस हो जाएगी, याद भी रहेगा। ऊ का साउंड देखिए, फूल लॉन्ग साउंड है, बड़ा ऊ है, सूट, कूल, शूट, अब आपको ये आ रहे हैं कंसेप्ट, क्लियर हो रहे हैं, कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं ना। ओ का साउंड होट, ओ का आपको बता ही दिया है शुरू में, है ना, होट, डॉग, शोट, कोल्ड, गोट, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। ओ का साउंड, ये ओ शब्द के अंत में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, कॉल, आउट, थोट, तो ये ओ आएगा जहाँ भी, बस आपको समझना उसको सही तरीके से, अगर आप उसको प्रनाउंस कर सकते हैं तो आप उसको लिख भी सकते हैं, ये ध्यान रखें। ए का साउंड शॉर्ट साउंड होगा, लास्ट में यूज़ नहीं होगा, पेन, टेन, हैन, मैन, है ना। ए का साउंड लॉन्ग साउंड है, वोवल लास्ट में नहीं आएगा, ये ध्यान रखें, पेन, मैन, वैन। अब देखिए मैन तो एम ए एन तो ठीक है इसमें आएगा, लेकिन अगर प्लूरल देखें मैन का तो एम ई एन होता है, जो कि किस में आएगा, ऊपर वाले में, मैन, ठीक है, ये ध्यान रखें। अर का यूज़ जैसे बर्ड है, कॉन्सोनेंट में आई आर ई आर ई ए आर या यू आर ऐसे आए शब्द, और उनके आगे और पीछे दोनों कॉन्सोनेंट हो, ये शब्द आ रहे हैं आई आर या ई आर ई ए आर यू आर, इनके स्टार्टिंग और एंड में आपके कॉन्सोनेंट दिए हों, तो आपका कौन सा यूज़ होगा, अर, अर साउंड यूज़ करेंगे। जैसे बर्ड, आई आर आ रहा है, शुरू में बी है, लास्ट में डी है, तो ये क्या है, दोनों कॉन्सोनेंट हैं। हर्ड, सर्च, शर्ट, बर्थ, हर्ट, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब अपने करते हैं डिफ्थोंग्स, तो डिफ्थोंग को क्या कहते हैं, वोवल ग्लाइड, कितने थे, आठ। ईयर, ए, सॉरी आई, आई का क्या है, अगर किसी शब्द में वोवल कॉन्सोनेंट फिर वोवल कंडीशन हो, तो पहले वाले वोवल के स्थान पे अ दिया हो,
अ के स्थान पे क्या लिखा जाएगा? ई और आई, यानी कि आई, ध्यान रखें। लेकिन कॉन्सोनेंट के स्थान पे, जो बीच वाला कॉन्सोनेंट आ रहा है उसके स्थान पे आर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला जो वोवल है उसके स्थान पे क्या हो? ए फिक्स हो, तो उसकी जगह ई आई, यानी कि ये आई आ जाएगा। जैसे एट, लेट, वेट, ठीक है। अब लेट है, वेट है, इसके अंदर देखिए ए आ रहा है, फिर कॉन्सोनेंट आ रहा है टी, फिर उसके बाद एक वोवल आ रहा है ई, तो इनकी जगह क्या लिखा जाएगा? ई आई। नोट, किसी शब्द के अंदर ई वाई, ए वाई, ए आई या ए के साउंड आई का प्रनाउंस हो तो इसकी जगह भी ये यूज़ किया जाता है। जैसे वेट के अंदर था डब्ल्यू ए आई टी, है ना, तो वहाँ ए आई आ रहा है लेकिन साउंड कैसा है? आई का, तो क्या प्रनाउंस करेंगे उसको, लिखेंगे कैसे? वेट। ले, एल ए वाई है, ए वाई का साउंड कैसा है? आई का है, तो वो लिखेंगे। ब्रेक, ई अ, या ए का ही साउंड करेंगे, ई ए का क्या प्रनाउंस करेंगे? ए, ब्रेक। आई, आ और ई, जब शब्द में आई, आई जी एच, वाई, साउंड आई आई इनका, है ना, आई आ जाए, आई जी एच आ जाए, या वाई, इनका साउंड कैसा है? आई का। जैसे ब्राइट, लाइम, माई, क्राई। माई इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखें, बाकी सारे ठीक है, नॉर्मल है। माई के लिए आपको पूछ सकता है, तो एम फिर आ लिखा जाएगा, फिर स्मॉल आई, माई, ठीक है। ओई, ओ वाई और ओ आई का साउंड ओई आए, तो आपको ये लिखना है। जैसे वॉइस, चॉइस, बॉय, कॉइन, सोइल, टॉय, ठीक है, ओई का साउंड आ रहा है, बॉय, टॉय, सोइल, कॉइन, चॉइस, वॉइस, ठीक है। अब देखिए चॉइस के अंदर च का वो आया जो हमने अभी पढ़ा था कॉन्सोनेंट में, ओ आई को ओइल लिख लिया, स लास्ट में चॉइस स बचा, तो स को एस लिख लिया। तो धीरे धीरे जब आप इनको वापस इस वीडियो के देखने के बाद वापस रिवाइज़ करेंगे, अपनी नोटबुक को देखेंगे, तो आपको बिल्कुल आराम से रिकॉल हो जाएगा। और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। औ, औ का साउंड देखिए, ओ यू ओ ए या ओ का साउंड औ आए, तो इस सिंबल को यूज़ करेंगे। जैसे गऊ, अब मोस्टली इसको गो पढ़ते हैं, गो नहीं होता, ये गऊ होता है ना, गऊ। स्लो, लौन, रोज़, रोज़ नहीं होता, रोज़, है ना, तो उसको जैसे सॉफ्टली प्रनाउंस करेंगे आप उसी हिसाब से ये लिख पाएंगे। तो शब्दों को सही प्रनाउंस करना बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि फ्रिकेटिव साउंड्स कितने होते हैं, है ना, तो फ्रिकेटिव साउंड के अंदर क्या है कि आप उनका स्पेलिंग देखें, फ्रिकेटिव याद रखने का तरीका देखिए। फ्रिकेटिव के अंदर आठ यहाँ पे वो रहेंगे सिंबल, आठ रहेंगे क्या या नौ? नौ रहेंगे, है ना, तो उसी के अंदर नौ ही उसके अंदर क्या होते हैं? साउंड होते हैं, फ्रिकेटिव साउंड। वो आपको नेक्स्ट कभी वीडियो के अंदर बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से होते हैं, लास्ट ईयर पूछा गया था। बाकी आपको ट्रांसक्रिप्शन ही पूछी जाती है मोस्टली, या आपको ये पूछ लेगा कि डिप्थोंग को क्या कहते हैं, मोनोफ्थोंग को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट जो है कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन रहेंगे। फिफ्थ अपने डिप्थोंग देखते हैं, आउ, ओ यू ओ डब्ल्यू का साउंड आउ आए, तो ये सिंबल लिखा जाएगा। जैसे बाउंड, हाउ, हाउ नहीं होता, हाउ, नाउ, हाउस, ब्राउन, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं, आप खुद बोल के देखें इनको, ज़्यादा आपके क्लियर होगा। सेकेंड लास्ट देखिए, ई, ई अ, ई, डबल ई, आई ई, ई ए, ई आर ई का साउंड ई आई, तो ये सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे नियर, पियर, कैरियर, कैरियर, है ना, कैरियर, देयर, तो द लिखेंगे, फिर वापस ईयर, रैप अनाउंस नहीं करते, आपको बता दिया है पहले ही, तो देयर। लास्ट है, ओ सॉरी, सेकेंड लास्ट है ना, आठ है इसके, ए अ, ए, ए आई आई, ए आई, ई ए आई या आर आई का साउंड ए आई, तो ये यूज़ करेंगे। जैसे हेयर, वेयर, पेयर, बेयर, ठीक है। अब लास्ट है उ,
डबल ऊ ओ यू 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 ई का साउंड ऊ आए तो ये सिंबल यूज करेंगे, जैसे श्योर, फ, है ना, प्योर, पुअर। अब पुअर नहीं बोलते, प्योर नहीं बोलते, फर नहीं बोलते, रे बिल्कुल प्रनाउंस नहीं किया जाएगा आपको, फिर कह रहा हूँ मैं। श्योर है, श्योर रहेगा, रे प्रनाउंस नहीं करेंगे। फर को फ बोलेंगे, प्योर को प्योर बोलेंगे, पुअर को पुअर को, जो आप PWR पुअर, रे को बिल्कुल नहीं बोलना, कहने का मतलब बिल्कुल लाइटली छोड़ दें उसको लास्ट में, पुअर। ठीक है, तो देखिए वही आपकी लगभग 25-26 मिनट की क्लास हुई है और आपके 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे इसके बाद, अगर आपने कम्प्लीटली लास्ट तक देखी है तो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।